हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज व्लॉग का थर्ड डे है और आज आपने अगले व्लॉग में देखा कि मैंने सूरत में स्टे किया था। तो आज सबसे पहले गुड मॉर्निंग। तो आज हम जा रहे हैं घर पे, तो चलो आज की न्यू डे की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग। तो आज का ये प्लान है कि मुझे मेरे घर पे जाना है और देखते हैं अभी क्या प्लान बनता है। कुछ डिसाइड नहीं है, कुछ प्लान नहीं है। तो चलो सबसे पहले घर पे चलते हैं और फिर देखते हैं क्या प्लान है आज डे का। तो चलो चलते हैं। तो फाइनली गाइस, ये रही हमारी कार। तो चलो सब सामान बैग में रखते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनली गाइस, अभी हम सूरत से निकल रहे हैं अभी। तो चलो चलते हैं, अब सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए चलते हैं। आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत देर लगी। और ये आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट साइड में गणपति जी की मूर्ति, ये रही। यहाँ से सीधा कैम्ब्रिज 48 हाईवे टच होगा यहाँ से। तो गाइस, अभी हम सीएनजी स्टेशन पे गैस फ्यूल अप करवाने के लिए रुके। तो चलो अभी गैस फ्यूल अप करवा के निकलते हैं यहाँ से। और अभी हम जाना है चिखली, तो मेरे घर पे भी जाना है पहले। और मेरी कार लेके हम देखते हैं कहाँ पे जाएंगे। मेरे थोड़ा एक मीटिंग भी है, तो मीटिंग अटेंड करनी है। तो देखते हैं अभी क्या प्लान रहता है। फाइनली गाइस, अभी हम कामरेज पहुँच गए। तो गाइज, हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके। ये है लोचो। तो फाइनली गाइज, अभी हम ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं और ये हाईवे है NH 48। तो यहाँ से अभी तकरीबन 90 किलोमीटर बाकी है हमारा घर। देखते हैं अभी कितनी देर में पहुँचते हैं। अभी 9:20 हुए हैं। तो गाइज, अभी हाईवे पे ट्रैफिक जाम हो चुका है, इसकी वजह से ट्रैफिक लगा था यार, बीच में ही चल रहे हैं हाईवे के। तो गाइज, अभी हम कुछ ऐसी प्लेस पे पहुंच गए और ये आप देख सकते हो हाईवे का रास्ता बहुत ही खराब है। अभी तक तो अच्छा ही था। टोल प्लाजा पे पहुंच गए हैं, हम पहुंच गए और कार वॉश करने के लिए दे दिए। अभी फिलहाल हम कार वॉश करने के लिए आए हैं, देखते हैं अभी क्या प्लान बनता है। तो फाइनली गाइस, अभी मैं घर पे आ चुका था और अभी फ्रेश होके सब सामान रख दिया घर पे और मेरी एक मीटिंग है वहीं पे जा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं। तो फाइनली गाइस, मीटिंग खत्म हो गई है और ये नेस कैफे पर आए हैं। यहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर, बहुत ही थक गया हूँ इतने दिनों से, मुझे आज रेस्ट करना ही पड़ेगा। आज शाम को निकलेंगे, अभी काम खत्म हो गया है तो फिर शाम को निकलेंगे। अभी देखते हैं क्या प्लान बनता है। ये मेरी कार हीट हो रही है और ज़्यादा भगाता हूँ, ज़्यादा तेज चलाता हूँ तो कार हीट हो रही है। और ये प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो डीके को दी थी तो उसने ठोक डाली कार, तो अगला बम्पर भी टूट गया है और रेडिएटर में प्रॉब्लम आया है कुछ, तो इसकी वजह से ज़्यादा भगा नहीं पा रहा हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं, अभी सर्विस में दे देंगे उसको भी। ये दो दिन तो मुझे थोड़ा काम है पर्सनल, तो वो ख़त्म करते हैं फिर देते हैं, फिर हम ट्रिप के लिए निकलते हैं और फिर इस कार को दे के जाएंगे। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ कि इस कार में क्या क्या करवाना है। अगला बम्पर है, पिछला बम्पर है वो भी ठीक करवाना है और लाइट भी डलवानी है। चलते अब।
अभी मैं फ्रेश हो चुका हूँ, घर पे आया था तो अभी फ्रेश हो चुका हूँ। तो अभी चलते हैं साईं बाबा के मंदिर पे, नहा लिया मैंने और रेडी हो चुका हूँ। तो चलो भार्गव को कॉल करते हैं और फिर निकलते हैं। आज थर्सडे है ना, तो साईं बाबा का दिन है ना, तो चलो दर्शन करने के लिए चलते हैं। मॉर्निंग में जाना चाहिए लेकिन शाम को चलते हैं यार, ऑलरेडी मैं लेट आया था, 1 बज गए थे कार वॉश करते करते, और फिर मेरी मीटिंग थी वहीं पे गया था, और अभी चलते हैं। इतना थक गया था ना, इतनी नींद आ रही थी, आज देखते हैं क्या प्लान है। तो चलो सबसे पहले चलते हैं साईं बाबा के मंदिर, पंचलाई में है वो। आपने मेरे चैनल पर ब्लॉग देखा होगा शायद, नहीं देखा हो तो देख लेना। अभी भार्गव भी आ चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं साईं बाबा के टेम्पल पे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मंदिर में मैंने जो भी मांगा है, मैंने दिल से मांगा है ना, वो मिला ही मिला है। यहाँ से अभी तकरीबन 30 या 35 किलोमीटर है, कंफर्म पता नहीं लेकिन 35 किलोमीटर है शायद। तो चलो ऑलरेडी हम अभी 6:10 हुए, तो अभी 7 बज ही जाएंगे लगता है। आई थिंक आरती का भी समय हो जाएगा शायद, पता नहीं है, कन्फर्म नहीं है, देखते हैं अभी जाके ही पता चलेगा कि कौन सा टाइम आरती है साईं बाबा की, देखते हैं अभी। और आपको वेदर दिखाता हूँ, आपको पूरा पूरा ग्रीनरी है यहाँ पे, कार चलाने में जो मजा है ना किसी और में नहीं है। इस सीसी में, वो 1500 सीसी में जो फील आती है ना कार ड्राइव करने में, वो भी डीजल कार, रॉकेट की तरह जाती है। कुछ ऐसी प्लेस पे पहुंच गए हैं अभी, ये आप देख सकते हो रिवर यहाँ से, एक सेकंड ये नेट निकाल लेता हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ का व्यू बहुत ही बढ़िया है, सनसेट। तो फाइनली गाइज हम अभी पहुंचने ही वाले हैं, ये आप देख सकते हो बोर्ड साईं मंदिर, 7 बजने वाले हैं। तो ये ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं हम, ये रहा साईं बाबा का मंदिर। आपको मैं कार पार्क कर देता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। ये रहा मंदिर और ये रहा द्वारका माई, तो चलो हम दर्शन करने के लिए चलते हैं। ये आप देख सकते हो सबका मालिक नंदकोटि ब्रह्मांड नायक राजा योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो गाइस ये आप देख सकते हो साईं बाबा का टेम्पल, चलो अब हम दर्शन कर लेते हैं फिर मिलते हैं आपको। गाइस अभी हम साईं बाबा के टेंपल से हम निकल रहे हैं, अभी दर्शन हो चुके हैं, सीधा घर पे खाना खाते हैं और फिर मुझे एक प्रोग्राम में जाना है, जो आपको वहीं पे जाके पता चलेगा। तो चलो हम चलते हैं, देखते हैं अभी क्या प्लान बनता है, मैं जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ फिक्स नहीं है। तो चलो देखते हैं अभी क्या प्लान बनता है हमारा। सबसे पहले अभी घर पर चलते हैं, मैंने 6 दिन से घर का खाना नहीं खाया है, तो अभी आज घर का खाना खाए। अभी मैं ऑफिस पे आ चुका हूँ, तो आज अभी बहुत ही लेट हो चुका है, अभी टाइम हो रहा है 9:45 और अभी मैं आते आते मुझे बहुत देर हो गई, और मुझे थोड़ा पर्सनल काम भी था तो उसकी वजह से ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, ड्राइविंग करना था और जल्दी पहुँचना था इसकी वजह से, तो कोई बात नहीं अभी। तो चलो अभी ऊपर चलते हैं और खाने में क्या है वो देखते हैं, खाना खाते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हमें जाना है कि नहीं जाना है।
देखते हैं अभी क्या प्लान बनता है। आई थिंक एक वीक होने को है मैंने घर पे खाना नहीं खाया, तो चलो आज मम्मी के हाथ का खाना खाते हैं। चलो, ये आप देख सकते हो आज का डिनर ये है, साग रोटी और खिचड़ी कढ़ी। माँ के हाथ का खाना बहुत ही बढ़िया होता है, तो चलो खाते हैं इसको। मैं अभी अभी उठा हूँ, बहुत नींद आ रही थी तो पता ही नहीं चला कब नींद आ गई, ऑफिस में ही सो गया था तो व्लॉग भी एंड नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं। इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक, कमेंट एंड शेयर, कीप सपोर्टिंग।